अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट जी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनका पता होना आपके लिए लाजमी है। यानी कि उनमें से कुछ आपको मैं वेबसाइट के बारे में बताऊंगा अगर आप इंटरनेट के यूज़र हैं, या कुछ ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिनका पता होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो सबसे पहले जो ट्रिक है, या सबसे पहली जो ट्रिक है वो है स्लाइड टू शट डाउन। यानी कि विंडोज़ 7 में तो आपके लिए कंप्यूटर को शट डाउन करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आसानी से शट डाउन हो जाता है। इसके अलावा विंडोज़ 8 में भी आपके लिए मुश्किल काम नहीं होता, थोड़ा बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन विंडोज़ 10 में जब आप शट डाउन करते हैं तो आपका आधा टाइम उसमें लग जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं कि आप उससे आसानी से कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल एक क्लिक पे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक आसानी के साथ पहुँची रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू पर चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर अपने शॉर्टकट पर चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है /system32/slide-to-shutdown.exe। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे नीचे आ चुका है। अगर आपने इसी तरह सारा लिखा है तो आपके पास भी नीचे खुद बहुत आ जाएगा। वहाँ से आपने इस तरह क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड टू शट डाउन, यहाँ पे आपके पास इसी तरह का आपने फोल्डर छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से आसानी से शट डाउन हो जाएगा। अब ये जो आइकन है इसका बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, नीचे प्रॉपर्टीज़ पर चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद आपने यहाँ चेंज आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला आइकन आपको मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करके ओके और अप्लाई और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार, यानी बहुत अच्छा आइकन आपको यहाँ पे मिल गया है। आसानी से इस तरह बिल्कुल नीचे कर देंगे तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी थी पहली ट्रिक, यकीन आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें और नीचे दूसरी ट्रिक जो है वो है गूगल के लिए। अब आप गूगल पर कोई चीज़, पहले मैं गूगल अपना ओपन कर लूँ, गूगल पर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल उससे मिलता जुलता आपको बता देता है, यानी कि उसके बस तकरीबन मिलता जुलता होता है, एग्जैक्ट वो नहीं होता। तो आप एग्जैक्ट चीज़ जाना चाहते हैं वो आप किस तरह लाएंगे, तो इसके लिए दो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहली जो ट्रिक है इसकी वो कुछ इस तरह है, इन टाइटल आप लिखेंगे, इस तरह करेंगे इन टाइटल, आगे जो चीज़ आप लिखना चाहते हैं इन टाइटल आप लिख के आगे कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं तो आपकी आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई यूआरएल अगर आप रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इन यूआरएल आपने कर लेना है और इस तरह आगे ये डाल देने हैं, उसके बाद आपका जो चीज़ आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो आपको आसानी के साथ यहाँ पर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये दो ट्रिक कैसी थी, आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।